सुंदरबनी जो आपने देखा होगा, सुंदरबनी में हमारे पांच लोग हमारे लोग शहीद हुए थे, रामपाल में हमारे लोग शहीद हुए थे, जम्मू में हमारे लोग शहीद हुए थे 1900 नेतृत्व में हुआ था। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू में एंटर हुए तो पंडित जी ही उनको आगे लेने के लिए गए हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है। पंडित जी आज जिस मुकाम पर आज बीजेपी बात है, एक ही व्यक्ति की देन है, वो है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। उन्होंने अपना देश को, अपने भारत को और अपने अपनी पार्टी को है वो समर्पित किया। आज उनकी जो बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी प्रदीप जी ने विस्तार से यहाँ पर चर्चा की कि एक निशान, एक विधान और एक संविधान, ये पंडित जी का सपना था जो 5 अगस्त 2019 को पूरा हो, इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ लाला रामचंद्र जी हमारे उसमें अध्यक्ष होते थे, महेश चंद्र जी, लाला प्रीतम लाल आनंद जी, कॉमरेड साहब, ये सब लोग एक जुलूस निकालते थे। उस जुलूस में एक डरा लगता था, मुझे आज याद है कि हम जेल जाएंगे अंडा भूखा करेंगे। इन लोगों ने इतनी कुर्बानी की है जिसकी वजह से आज हम आजादी की सांस, यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये तो पहले यहाँ पर परमिट सिस्टम होता था कि किसी ने दिल्ली जाना होता था, कहीं जाना होता था, परमिट लागू होता था, परमिट लेकर जाना होता था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो उन्होंने कुर्बानी दी, उन्हीं की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पर डेवलपमेंट और तरक्की का दौर देख रहे हैं और एक अमन और चैन की यहाँ पर जिंदगी घोषित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रेमनाथ जोगरा जी की जयंती पर मैं सबको बधाई देता हूं। आज जो 5 अगस्त को 370 ख़त्म हुआ, ये पंडित जी को सपना जो है वो पूरा हुआ। पंडित जी का ही सपना था कि एक निशान, एक विधान, एक संविधान, पंडित जी की सोच थी। और जिसको जो जिन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा कि पुंछ में भी हमने, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और आज जो सपना है वो पूरा हुआ। मैं सोचता हूँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो एक जम्मू की आवाज़ थे, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ थे, आज उनको हम छत छत नमन करते हैं। और ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कल महबूबा मुफ्ती ने जैसा बयान दिया, उन्होंने झंडे के बारे में बोला, उन्होंने ये कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक यहाँ क्या क्या नहीं होता है, यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे, यहाँ ये होगा, मैं कहूँगा कि कुछ लोग जहाँ पर जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं अब पूर्वमन तरीके से ठीक हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हालात ख़राब करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के अपने LG साहब से कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सच्ची सुनाची यही होगी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जो अलगाववादी जहाँ पर ना रहे, कोई भी ऐसा आदमी ना रहे जो हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगाए, भारत माता की जय। श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जो सपना था, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो पिछले 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ, वो उनको सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, सारी ज़िंदगी अपनी इस के लिए लगाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था वो पूरा हुआ, जो उन्होंने जिस चीज़ के लिए बलिदान दिया वो सपना पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि आजकल जो श्रीनगर के अंदर बाकी पार्टियाँ इकट्ठा होकर एक गुपकार एजेंडा चला रही हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा हम ये झंडा भी नहीं लगाएंगे और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, मैं आपके माध्यम से महबूबा मुफ्ती जी को कहना चाहता हूँ 100 जन्म तक अब 370 और 35 से वापस नहीं आएगा,
चाहे जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़े, जो भी संघर्ष करना पड़े, हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। क्योंकि 370 और 35 ए का हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला आज तक, और लोग बड़े खुश हैं 370 और 35 ए जाने के लिए, क्योंकि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर कुर्बानी दी, और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे और अमन और चैन के साथ रह रहे हैं। 370 और 35 ए जाने के बाद श्रीनगर बिल्कुल पीसफुल है, वहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये लोग दोबारा माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, और ऐसी साजिश में हम कभी भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ISI ने मिलिटेंसी के दौरान बहुत बड़ी साजिश की कि यहाँ के लोगों को शामिल किया जाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे पुंछ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाइयों को कि वो इसमें शामिल नहीं हुए, और इनका भी कोई भी एजेंडा यहाँ पर लागू नहीं होगा। वह पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी यही है कि जो उन्होंने हमें रास्ता बताया उस पर हम चलें, और उनको शत शत नमन करते हुए आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा था।